हे एवरीवन, वेलकम बैक टू CoachFAI। आज हम MOUs एंड एग्रीमेंट्स डिस्कस करने वाले हैं 2020 के। ये सेशन आपकी आने वाली एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि MOUs एंड एग्रीमेंट्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये सेशन को कंप्लीट देखना है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहला जो हमारा MOU है वो हुआ है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का एंड रिलायंस जियो टीवी का। तो रिलायंस जियो टीवी का एंड गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का जो MOU हुआ है उसका जो पर्पस है वो है एम टू प्रोवाइड एजुकेशन टू 52 लाख स्टूडेंट्स। तो 52 लाख स्टूडेंट्स को एजुकेशन देने के लिए जो MOU साइन किया है वो साइन किया है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने एंड रिलायंस जियो टीवी ने। बढ़ते हमारे नेक्स्ट MOU की तरफ, और नेक्स्ट MOU है हमारा कोल इंडिया लिमिटेड का एंड नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन। मतलब कोल इंडिया का MOU हुआ है नीति आयोग के साथ। पर्पस जो है वो है टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, इसका जो पर्पस है वो है इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप अक्रॉस द कंट्री। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट MOU की तरफ, और नेक्स्ट MOU है हमारा अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी एंड जियो प्लेटफॉर्म। तो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने MOU साइन किया है जियो प्लेटफॉर्म्स के साथ, और इनका पर्पस था अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी इन्वेस्टेड रुपीज़ 5,683.50 करोड़ फॉर 1.16% स्टेक इन जियो प्लेटफॉर्म्स। तो अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 1.1% स्टेक लिया है, जो कि लिया उन्होंने 5,683.50 करोड़ का। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि कितना परसेंट स्टेक लिया और किसका लिया। तो आपको दोनों ध्यान में रखना है कि जियो प्लेटफॉर्म का लिया, 1.1% स्टेक का लिया, और एग्जाम में वैल्यू भी पूछी जा सकती है कि उसका कॉस्टिंग कितना है। तो 5,683.50 करोड़। ठीक है, इसके साथ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा इंडिया एंड भूटान। मतलब इंडिया ने भूटान के साथ MOU साइन किया। पर्पस जो है वो है टू डेवलप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। दिस इज़ द फर्स्ट एवर जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया एंड भूटान। ये इंडिया एंड भूटान का सबसे पहला जॉइंट वेंचर है और उन्होंने साइन किया है फॉर द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड एंड इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड। मतलब इंडिया के कोस्ट गार्ड ने इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड के साथ MOU साइन किया। पर्पस जो है वो है इंडियन कोस्ट गार्ड एंड इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड साइन एन एग्रीमेंट टू गिव अ बूस्ट टू मराइन टाइम रिलेशन। ठीक है, मराइन टाइम रिलेशन को बूस्टअप करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड ने इंडोनेशियन कोस्ट गार्ड के साथ MOU साइन किया है। ठीक है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट है हमारा इंडियन एम्बेसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नेपाल। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है नेपाल की, उन्होंने साइन किया है इंडियन एम्बेसी के साथ। अब पर्पस जो है वो है साइन 7 एग्रीमेंट्स फॉर रीबिल्डिंग 56 हायर सेकेंडरी स्कूल्स इन नेपाल। नेपाल की जो 56 हायर सेकेंडरी स्कूल्स है उसे रिबिल्ड किया जाएगा, इसके लिए उन्होंने 7 एग्रीमेंट्स को साइन किया है। किसने साइन किया है? इंडियन एम्बेसी ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि है नेपाल की। मतलब नेपाल ने इंडियन एम्बेसी के साथ MOU साइन किया है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स एंड यूनिसेफ। यूनिसेफ का जो प्लेटफॉर्म है वो है युवाह। तो युवाह प्लेटफॉर्म ने यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के साथ MOU साइन किया है। इसका पर्पस था द एग्रीमेंट वॉज साइन विद एन एम टू मोबिलाइज 1 करोड़ यूथ वॉलंटियर्स इन इंडिया फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो बढ़ते आगे। एंड नेक्स्ट है हमारा CBSE एंड फेसबुक। तो CBSE ने फेसबुक के साथ MOU साइन किया है, एंड इसका पर्पस है टू लॉन्च अ करिकुलम ऑन डिजिटल सेफ्टी एंड ऑनलाइन वेलबींग एंड ऑगमेंटेड रियलिटी फॉर स्टूडेंट्स एंड एजुकेटर्स। तो ये जो MOU साइन हुआ है ये रिलेटेड टू डिजिटल सेफ्टी एंड ऑनलाइन वेलबींग एंड ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए हुआ है, जो कि स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स के लिए है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट MOU साइन हुआ है हमारा इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में। पर्पस जो है वो है 5 MOUs हैज़ बिन साइन टू डेवलप एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द हाई इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट प्रोग्राम। तो यहाँ पे 5 MOUs को साइन किया गया है टू डेवलप द एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर विच प्रोग्राम? अंडर HICDP प्रोग्राम। HICDP का फुल फॉर्म क्या होगा? हाई इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये जो 5 MOU साइन हुआ है फॉर द एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, और किसने साइन किया है? इंडिया एंड अफगानिस्तान ने। बढ़ते आगे। नेक्स्ट है हमारा इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। ठीक है। एंड पर्पस है द एग्रीमेंट एम्स एट डेवलपिंग बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम फॉर प्यूरिफाइंग सीवेज वाटर फ्लोइंग इनटू द रिवर गंगा एंड गोदावरी अंडर द जॉइंट प्रोजेक्ट स्प्रिंग। तो इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने MOU साइन किया है फॉर द प्यूरिफाइंग सीवेज वाटर फ्लोइंग इनटू रिवर गंगा एंड गोदावरी। में जो वाटर फ्लो होता है उसको प्यूरिफाइंग करने के लिए उन्होंने एक ये MOU साइन किया है। उसके लिए वो एक बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड एक वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम उन्होंने लाया है, ठीक है। तो ये MOU साइन किया है इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने। बढ़ते आगे, नेक्स्ट MOU है हमारा इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इसका पर्पज़ है 9 MOU हैज साइन इन डिफरेंट फील्ड्स लाइक साइबर एंड साइबर इनेबल क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, माइनिंग, डिफेंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट एंड वोकेशनल एजुकेशन। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने जो MOU साइन किया है, इन्होंने 9 MOU साइन किए और ये डिफरेंट फील्ड्स में साइन किए, जो कि आपको पता चला होगा, वोकेशनल एजुकेशन, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, माइनिंग एंड सो ऑन। तो इन्होंने टोटल 9 MOU साइन किए, किसने? इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने। बढ़ते आगे, हमारा लास्ट जो कि है HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी एंड UK बेस्ड टेक फर्म ट्रोबको लिमिटेड, मतलब ट्रोबको लिमिटेड ने HDFC एर्गो के साथ MOU साइन किया है। पर्पस क्या होगा? MOU टू लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस फॉर ड्रोन ओनर्स इन द कंट्री। इनने जो MOU साइन किया है ये रिलेटेड टू इंश्योरेंस है, ठीक है, जो कि साइन किया है HDFC एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने, UK बेस्ड टेक फर्म है ट्रोबको के साथ में, ठीक है। ये थे हमारे 2020 के आफ्टर अप्रैल मंथ के इम्पॉर्टेंट MOUs। अगर आपको अप्रैल तक के MOUs चाहिए, फ्रॉम जनवरी टू अप्रैल, तो आपको ऑलरेडी चैनल पे वीडियो अपलोड किया है, आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। आफ्टर अप्रैल अगर चाहिए अभी तक के, तो आपको ये वीडियो देखना होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आपको वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।